दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। आइकू ने कल ऑफिशियल कर दिया कि आइकू Z6 Pro 27 तारीख को लॉन्च हो रहा है। ये चीज मैंने आपको परसों बताई थी कि 27 तारीख को लॉन्च होगा। चलिए आप कहोगे कि थंबनेल डाला है Vivo T1 Pro का, बात आइकू Z6 Pro की क्यों चल रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि आइकू Z6 Pro जो है यही स्मार्टफोन Vivo T1 Pro बन के भी आएगा, क्योंकि आइकू Z6 जो था वो Vivo T1 बन के आया था, या ऐसे कहें कि Vivo T1 जो था वो आइकू Z6 बन के आया हुआ था। तो Z6 Pro जो है पॉसिबली वो भी T1 Pro बन के आएगा। अब ऑफिशियल हो गया है कि ये बात सच है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आइकू Z6 Pro में स्नैपड्रैगन 770G आने वाला है और कल Geekbench पे लिस्ट हो गया Vivo T1 Pro, जिसमें भी ये पता चल गया कि इसमें आपको Snapdragon 778G आने वाला है। तो स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, सिर्फ नाम दोनों के डिफरेंट होंगे। लॉन्च पॉसिबली ये अप्रैल में नहीं, मई में होगा। आइकू Z6 Pro के बाद Vivo T1 Pro आएगा एंड स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। प्राइसिंग इसकी भी 25,000 के आसपास ही रहेगी, थोड़ी सी ज्यादा होती है आइकू से Vivo की प्राइसिंग। तो इसकी प्राइसिंग आप 25,000 से 30,000 के बीच में एक्सपेक्ट करना, क्योंकि आइकू Z6 Pro जो है ये 25,000 के नीचे आने वाला है। चलिए अच्छी चीज है, क्या स्पेसिफिकेशन वाले, क्योंकि आइकू Z6 Pro के स्पेसिफिकेशन तो आ गए हैं, तो वही Vivo T1 Pro के भी स्पेसिफिकेशन होने वाले हैं। इसमें आपको 6.4 इंच का एमोलेड का पैनल मिलने वाला है 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। वाटर ड्रॉप नॉच आएगा, पांडा ग्लास का सपोर्ट रहेगा, रियर साइड पे ट्रिपल कैमरा रहेगा, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर रहेगा। देखने में पीछे साइड से तो काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि कैमरा मॉड्यूल थोड़ा बड़ा है। आगे से कुछ लोगों को शायद थोड़ा पसंद ना आए, क्योंकि नॉच दिया गया है इसमें वाटर ड्रॉप वाला। चलिए अच्छी चीज है। स्नैपड्रैगन 778G 5G चिपसेट है, ऑक्टाकोर का चिपसेट है, 6nm पे बेस्ड है एंड स्कोर 5.5 लाख के आसपास दे देता है, मतलब अच्छा है परफॉर्मेंस में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एड्रीनो 642L जो है गेमिंग ग्राफिक्स भी अच्छी खासी संभाल लेगा, उसमें भी कोई इश्यूज नहीं आएंगे, तो वहां कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ये एंड्रॉइड 12 के ऊपर ही आएगा, जो कि फन टच OS 12 के साथ आएगा। थोड़े से ब्लोट रहेंगे लेकिन आप डिलीट कर पाओगे, ज्यादा इश्यूज नहीं आएंगे। चलिए अच्छी है, परफॉर्मेंस का सेगमेंट तगड़ा होने वाला है। 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा रहेगा, 64+8+2 मेगापिक्सल का 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेंसर रहेगा, रियर से 4K, फ्रंट वाले से 1080 रिजोल्यूशन में वीडियो निकाल पाओगे। देखते हैं किस हिसाब का ऑप्टिमाइजेशन रखते हैं, लेकिन कैमराज आपको अच्छे मिलने वाले हैं। चलिए अच्छी बात है। बैटरी की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको 4500mAh की बैटरी मिलेगी, अच्छी बात है। 66W का फास्ट चार्जर रहेगा, 4500mAh की बैटरी को ये करीब करीब 35 से 40 मिनट में फुल चार्ज करके दे देगा। टाइप सी के पोर्ट के साथ आएगा, तो वहां पे भी कोई इशू नहीं रहेगा आपको। चलिए यानी बैटरी का डिपार्टमेंट सही रहेगा। सेंसर जैसे मैंने कहा 3.5mm जैक नहीं रहेगा, ये चीज याद रखना, और सिंगल स्पीकर रहेगा। इसके अलावा जितने भी सेंसर्स हैं आपको सारे मिल जाएंगे, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, एक्सेलेरोमीटर, एम्बेडेड लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, सारे सेंसर्स मिल जाएंगे, सेंसर्स में इशू नहीं आएगा। हाइब्रिड स्लॉट कहा जा रहा है आने वाला है, यानी दो सिम कार्ड तो लगा पाओगे, फिर आप SD कार्ड नहीं लगा पाओगे, या फिर अगर आप SD कार्ड लगाते हो तो सिर्फ एक ही सिम कार्ड लगा पाओगे। चलिए अच्छी बात है। इसके बाद वेरिएंट की बात करें तो कहा जा रहा है 6GB 8GB दो वेरिएंट होंगे, 128GB और 256GB स्टोरेज वेरिएंट होगा। पॉसिबली प्राइस 25,000 से 30,000 के बीच में होगी। वीवो का फोन है, ऑब्वियसली थोड़ा सा महंगा रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन सीरीज का है, एक्चुअली ये ऑनलाइन वाला होने वाला है, लेकिन वीवो के फोन थोड़े से महंगे होने वाले। चलिए अच्छी बात है, कहा जा रहा है कि मई मंथ में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अप्रैल 27 को तो आइकू Z6 Pro ही आ रहा है। लेट्स सी, देखते हैं कब तक लेकर आते हैं, क्या लेकर आते हैं, जैसे और भी इन्फॉर्मेशन पता चलेंगे आपको बता दूंगा। वेट करोगे नहीं जरूर बता देना कैसा लगा वीडियो, ये भी बता देना, पसंद आया लाइक बटन शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोज हैं, उन्हें भी चेक कर सकते हो, मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, कुछ खास नहीं करना, साइड में देखो वैक्टे में जिसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया कहने साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय।